Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 29th January 2022. I'm sure children, you all are doing good, you all are keeping in good health, do take very good care of yourselves, keep on following all the safety precautions, keep on following all the COVID protocols, stay happy, healthy and safe. And at the same time children, my सजेशन बोलूँगी और बीइंग योर टीचर आपको मैं एक तरह से ये बोलूँगी कि फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, सो बी रेगुलर विथ योर ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि क्लासेस में रिवीजन जब होता है तो अगर आपने पहले लेसन नहीं भी पढ़ा है, अगर क्लासेस नहीं भी अटेंड किए हैं या आपका वर्क नहीं पूरा है तो यू कैन ऑलवेज डू योर वर्क, क्योंकि लेसन अगर समझ में ही नहीं आएगा तो ना आप उसका कोई भी एक्सरसाइज कोई वर्क नहीं कर पाओगे. इफ़ यू आर नॉट अवेयर कि लेसन में है क्या 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 पढ़ा है लेसन में, तो आप आगे नहीं कर पाओगे. तो अगर अभी भी जितने भी दिन बचे एग्जाम के लिए, इफ़ यू आर रेगुलर इन अटेंडिंग योर ऑनलाइन क्लासेस, इफ़ यू आर रेगुलर इन वॉचिंग द वीडियोज, स्टिल यू कैन कवर अप. ठीक है, तो आप अपना रेगुलरली अपना काम कंप्लीट करो, अपना ऑनलाइन क्लासेस का रेगुलरली कंडक्ट अपना अटेंड करो एंड बी रेगुलर इन वॉचिंग द वीडियोस. अभी भी टाइम है, आप अभी से अपना प्रिपरेशन करेंगे तो बाय एग्जाम योर प्रिपरेशन विल बी कंप्लीट. आप आराम से अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे. चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 19. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर ईवीएस सिलेबस. ठीक है, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ईवीएस सिलेबस एज वेल एज द लास्ट chapter of this book also. Chapter is our festivals. So turn to page number 119 in your EVS book. Page number is 119 and the chapter's name is our festivals. In this chapter children, we will be talking about some festivals. Okay, now the question is ki what are festivals? Festivals kya hote hain? ना चिल्ड्रन, यू ऑल मस्ट बी नोइंग, सबको मालूम होगा कि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स हैं. ओके, देयर आर लॉट ऑफ रिलीजन्स इन आवर कंट्री. हर एक कंट्री के अपने कुछ कुछ स्पेशल डेज होते हैं. फेस्टिवल्स आर सम स्पेशल डेज. ठीक है, एवरी डे वी डू नॉट सेलिब्रेट फेस्टिवल. फेस्टिवल जिस दिन होता है उस दिन हम कुछ स्पेशल करते हैं, वी वेयर न्यू क्लोथ्स, उसको अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस सी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर कि देर आर डिफरेंट रिलीजन्स इन आर कंट्री. ठीक है, सबको मालूम है, वी ऑल नो कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में. देर आर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. हिंदू इज देयर, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिख है, बुद्धिस्ट ज़्यादा है, जैनी ज़्यादा है, पारसी ज़्यादा है. ठीक है, तो बहुत सारे रिलीजन्स हैं एंड द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स गो टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. इसमें एक तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले L E A R N I N G, लर्निंग, O B J E C T I V E S, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. D I डबल F E R E N T, डिफरेंट, P L A C E S, प्लेसेस ऑफ वर्शिप. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारे यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस ऑफ वर्शिप है. सिंस देर आर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, तो हर एक रिलीजन के लोग जो हैं अपनी अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं. प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब जहाँ पे हम प्रेयर करते हैं, जहाँ जाके पूजा करते हैं. ठीक है, देन एक्सक्यूज मी, डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट डिफरेंट स्पेशल डेज एंड दीज डेज आर कॉल्ड फेस्टिवल्स. ठीक है, तो जो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग फेस्टिवल्स हैं. ठीक है, सो डी आई एफ एफ ई आर ई एन टी, डिफरेंट फेस्टिवल्स. ठीक है, डिफरेंट, जो हर एक रिलीजन के अपने कुछ एक स्पेशल डेज होते हैं. ठीक है, और स्पेशल डेज वो क्यों होते हैं? बिकॉज देर इज सम स्टोरी एसोसिएटेड विथ इट. मे बी उस दिन उनके उस रिलीजन के किसी बहुत महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, या उस दिन से एसोसिएटेड कोई स्टोरी हुई होगी, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा. तो जो स्पेशल डेज होते हैं दे आर एसोसिएटेड विथ समथिंग
ऐसे ही हम किसी भी दिन को तो स्पेशल डे नहीं मान लेते, होली है हम किसी भी दिन नहीं मना लेते, क्रिसमस किसी भी दिन नहीं मना लिया जाता है, गुरुपर्व किसी भी दिन नहीं मना लेते, उस दिन कुछ खास चीज़ होती है। ठीक है, तो डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट डिफरेंट स्पेशल डेज एंड दीज डेज आर कॉल्ड फेस्टिवल्स। ठीक है, तो अलग अलग रिलीजन के लोग अपने अलग अलग जो स्पेशल डेज मनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फेस्टिवल कहते हैं। सम फेस्टिवल्स आर होली, दशहरा, दिवाली, गुरुपुरब, ईद, क्रिसमस, दीज आर सम ऑफ द मेन फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। जैसे होली, दशहरा, दिवाली ये हिंदूज के फेस्टिवल हैं, ईद मुस्लिम्स का है, क्रिसमस क्रिश्चियंस का है, गुरुपुरब सिख का है, इसके अलावा जो बुद्धिस्ट है उनकी बुद्ध जयंती आती है, बुद्ध पूर्णिमा होता है उनका बहुत मेजर फेस्टिवल होता है, जो जैनीज होते हैं उनका महावीर जयंती बहुत मेजर फेस्टिवल है। ठीक है, एंड देन इसमें हम पढ़ेंगे सम नेशनल फेस्टिवल्स ऑल्सो। ठीक है, सम नेशनल फेस्टिवल्स आर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। अभी हम पढ़ेंगे कि वॉट आर नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है, तो इसमें हम फेस्टिवल्स पढ़ेंगे, इसमें हम NATIONAL नेशनल फेस्टिवल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे हम ये भी देखेंगे कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, एंड वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड हाउ डू वी सेलिब्रेट देम, क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। तो वी सेलिब्रेट ईच फेस्टिवल विथ लॉट ऑफ जॉय एंड फन। ठीक है, नाउ दो वी हैव डिफरेंट रिलीजन्स इन आवर कंट्री, पीपल एट दीज रिलीजन्स गो टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू ऑफर प्रेयर्स। हमारे यहाँ पे बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं और इन रिलीजन के जो लोग हैं वो अपनी अलग अलग अपनी उनकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वहाँ जाते हैं प्रे करने। पेज नंबर 119 पे आप देख सकते हो देर आर फोर पिक्चर्स। ठीक है, फोर पिक्चर्स बनी हुई है, फोर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इसमें कौन कौन सी कहाँ कहाँ की है। फर्स्ट पिक्चर यू कैन से इस टेंपल। ठीक है, टेंपल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर हिंदूज। अभी वो टेंपल किसी का भी हो सकता है क्योंकि हिंदूज में बहुत सारे देवी देवता है, तो कोई कृष्ण भगवान का टेंपल हो सकता है, राम जी का टेंपल हो सकता है, शंकर भगवान का टेंपल हो सकता है, ठीक है, दुर्गा जी का टेंपल हो सकता है, बहुत सारे टेंपल्स हैं। तो लेकिन अलग अलग देवी देवता के टेंपल हो सकते हैं, बट टेंपल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर हिंदूज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है मॉस्क, जिसको मस्जिद कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो मॉस्क इज द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम्स। जैसे मंदिरों में क्या होता है, मंदिर में अंदर जिस भी देवी, जिस भी देवता का, जिस भी भगवान का मंदिर है उनकी वहाँ पे हमें स्टैचू मिलती है। मॉस्क में अंदर इट इज़ अ बिग प्रेयर हॉल, देयर इज नो स्टैचू, क्योंकि जो मुस्लिम्स होते हैं जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं, दे डू नॉट बिलीव इन जिसको कहते हैं ना मूर्ति, आइडल वर्शिप, मतलब उनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है। जो उनके प्रॉफिट मोहम्मद ने, पैगंबर मोहम्मद ने जो उनकी मतलब बातें बोली हैं वो उसको ही फॉलो करते हैं, एंड दे ऑफर प्रेयर, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। तो मस्जिद के अंदर कोई स्टैचू या कुछ नहीं है, इट्स अ बिग हॉल एंड पीपल ऑफर प्रेयर टुगेदर। जो लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, जब नमाज का टाइम होता है तो वहाँ पे लोग आते हैं एंड दे ऑफर प्रेयर। देन थर्ड पिक्चर आप देख रहे हो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ सिख्स। जो सिख होते हैं उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप है गुरुद्वारा, मतलब जो सिख लोग होते हैं वो जाते हैं गुरुद्वारे में पूजा करने। ओके, अभी गुरुद्वारे के अंदर में भी कोई आपको कोई स्टैचू नहीं मिलेगी। ठीक है, गुरुद्वारे के अंदर भी कोई स्टैचू नहीं होगी, होती है उनकी जो सेक्रेट बुक होती है, जो होली बुक है सिख की, गुरु ग्रंथ साहिब, एक ऐसे ऊंचा सा थोड़ा सा प्लेटफॉर्म जैसा होता है और उसके ऊपर एक स्टैंड होता है वुडन का, उसके ऊपर उनकी जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो रखी रहती है। ठीक है, और जो उनके जो प्रीस्ट होते हैं सिख के, जिसको ग्रंथी कहते हैं, वो उनके गुरु ग्रंथ साहिब में जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, जो बातें बोली गई हैं उसी को वो सिंग सॉन्ग मैनर में प्रेजेंट कर गाते रहते हैं दिन भर, जिसको कि शब्द कीर्तन बोलते हैं। ठीक है, उस पर जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं गुरुवाणी, गुरु की वाणी, गुरुवाणी, और उसी को वो गा गा करके सारे दिन मतलब गाते रहते हैं, दैट इज नोन एज शब्द कीर्तन। तो उनके जो प्रीस्ट होते हैं, उनके जो जो प्रीस्ट होते हैं, ग्रंथी जो होते हैं, वो गाते रहते हैं, साथ में म्यूजिक तबला भी रहता है, हारमोनियम भी बजता है। सो दैट इज देयर वे ऑफ वर्शिपिंग, गुरुद्वारे में जाके करते हैं। एंड फोर्थ पिक्चर इज दैट ऑफ अ चर्च,
क्रिश्चियंस गो टू चर्च टू प्रे। ठीक है, चर्च में आपको सब जगह देखोगे, कहीं भी चर्च होगा ऊपर आपको ऐसे करके क्रॉस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली क्रॉस, दिस इज जैसे जो जीसस क्राइस्ट को जो क्रूसीफाई किया गया था, उनको जो सूली पे लटकाया था, तो दोनों हाथ उनके ऐसे थे और पैर लटक रहे थे, तो वो एकदम क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो जो चर्च के अंदर जीसस क्राइस्ट की स्टैचू रहती है, तो जो क्रिश्चियंस होते हैं दे गो टू द चर्च टू ऑफर प्रेयर्स। संडे को उनका एवरी संडे दे हैव मास, प्रेयर मीटिंग होती है, बहुत सारे लोग जाते हैं एक साथ प्रेयर करते हैं। ठीक है, और जो जैनीज हैं उनके भी अलग टेम्पल है जहाँ पे लॉर्ड उनके भगवान महावीर की स्टैचू होती है, और जो बुद्धिस्ट है उनकी भी अलग प्लेस ऑफ वर्शिप है विच इज़ नोन एज मोनेस्ट्री। जो बुद्धिस्ट होते हैं उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप को मोनेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, वो अपना वहाँ पे प्रेयर वगैरह करते हैं। बुद्धिस्ट अपने टेम्पल्स हैं जहाँ पे भगवान बुद्ध की स्टैचू रहती है। आप लोग आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे सारनाथ गए होंगे तो सारनाथ में देखा होगा, सारनाथ इज अ बुद्धिस्ट प्लेस, मतलब वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने प्रीच किया था ना, उपदेश दिया था, तो वहाँ पे बुद्ध भगवान का मंदिर भी है, बुद्ध भगवान के अंदर बड़ी सी स्टैचू है। तो जो बुद्ध होते हैं उनका अपना मोनेस्ट्री है, प्लेस ऑफ वर्शिप, दे हैव बुद्धा टेम्पल्स, और जो जैनीज है उनकी भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, दैट इज जैन टेम्पल्स। ओके, सो दो वी फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स बट गॉड इज ओनली वन, वी गिव डिफरेंट नेम्स टू हिम, we must learn how to respect all religions and places of worship, we should not hurt anyone with our act or talk about their religion। हम लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, हम कहते हैं भगवान है भगवान, ये वाले भगवान, वो भगवान, वो भगवान, या जो क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं प्रभु यीशु ईसा मसीह, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं। ठीक है, सिखों के कोई ऐसे भगवान नहीं, उनके 10 उनके गुरुज थे, उनके 10 गुरुज हुए हैं, तो सिखों के गुरुज थे, तो जो उनके गुरुओं ने जो बातें बोली थी वही उनकी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है, तो दे वर्शिप देयर गुरुज, कोई और उनका कोई भगवान या ऐसा कुछ और नहीं है। ठीक है, क्या 10 गुरु थे गुरु नानक देव जी, तो वो उनके सारे जो गुरुज हैं उन्हीं की वो वर्शिप करते हैं, उनको ही वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो सारे रिलीजन के भगवान अलग अलग हैं, भगवान तो एक ही है बट सब ने अलग अलग नाम दिया है, हर रिलीजन में लोग अपने अपने नाम से उनको बुलाते हैं। ठीक है, और कोई भी भगवान किसी भी रिलीजन के भगवान हो, कोई भी हो, कोई सब अच्छी बातें ही बोलते, कोई ये नहीं कहता कि एक दूसरे से लड़ाई करो, मारपीट करो। ठीक है, सारे अच्छी बातें ही बोलते हैं, तो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग प्लेस ऑफ वर्शिप है, अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। किसी ने तो भगवान को देखा नहीं है कि कैसे दिखते हैं क्या है, तो भगवान एक है, हमने उनको अलग अलग नाम दे रखा है। वी मस्ट लर्न हाउ टू रेस्पेक्ट अदर रिलीजन्स ऑल्सो, ऐसा नहीं कि हम जिस रिलीजन के हैं उसके अलावा बाकी सारे रिलीजन के लोगों को हम खराब बोलें, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें यह सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे रिलीजन को, दूसरे रिलीजन के लोगों को भी उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितने हम अपने रिलीजन के लोगों को या अपने रिलीजन को देते हैं। ठीक है, उनकी भी जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको भी हम उतने ही, मतलब उतनी ही इम्पोर्टेंस दें, और हमें इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरे रिलीजन के लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ पहुँचे। ठीक है, तो जितनी हम श्रद्धा के साथ हम अपने मंदिर में जाके पूजा करते हैं, अपने प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं, उतनी ही श्रद्धा के साथ हमें दूसरी प्लेस ऑफ वर्शिप को भी, मतलब वहाँ भी हमें प्रे करना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरे लोगों और या दूसरे रिलीजन को किसी भी तरह की तकलीफ पहुँचे। ठीक है, टर्न द पेज चिल्ड्रन, पेज नंबर 120, ट्राई दिस, फाइंड आउट द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन्स। ये मैंने बताया था कि प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट इज मोनेस्ट्री। ठीक है, ये बाद में मैं जब रिटन वर्क कराऊंगी तो उसमें लिखवा दूंगी, मोनेस्ट्री एंड जैन्स। जैन्स की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है दैट इज जैन टेम्पल्स, या उसको डेरासर बोलते हैं। ठीक है, नाउ फेस्टिवल्स, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट सम स्पेशल डेज, दी स्पेशल डेज आर कॉल्ड फेस्टिवल्स। नाउ व्हाट आर फेस्टिवल्स, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, हम हर रोज़ तो कोई भी फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करते, जिस दिन भी फेस्टिवल है देर इज समथिंग स्पेशल, उसके साथ कोई उस दिन कुछ खास हुआ होगा तभी हम उस दिन को फेस्टिवल मनाते हैं।
ठीक है। तो हर साल आप देखते हो फेस्टिवल की डेट हर साल चेंज होती है, वाई बिकॉज जो फेस्टिवल्स है वो सारे जो सन की पोजीशन मून की पोजीशन उस पे डिपेंड करते हैं। क्रिसमस इज द ओनली फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर, ठीक है। तो जो भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं दीज आर सम स्पेशल डेज, अलग अलग रिलीजन के कुछ जो स्पेशल डेज है उनको हम फेस्टिवल्स बोलते हैं, ठीक है। उस दिन कुछ ना कुछ हम स्पेशल करते हैं, रोज़ तो हम फेस्टिवल नहीं मनाते हैं। अगर रोज़ फेस्टिवल मनाएंगे तो फेस्टिवल की तो इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। सो दीज स्पेशल डेज जो खास दिन होते हैं इन्हें हम फेस्टिवल्स कहते हैं। अभी फेस्टिवल्स पे हम क्या क्या करते हैं, तो कुछ एक रिलीजन के कुछ जो मेन मेन फेस्टिवल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टुडे द टाइम इज ओवर, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।